संत कबीर दास जी ने मानव जीवन को एक नाव के समान बताकर और व्यक्ति को नाव चलाने वाला बताया है, जो कि कूड़े के समान है। कूड़े से तात्पर्य है कि अज्ञानी है। संत कबीर जी का यह दोहा इस प्रकार से है, कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवन हार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सिर भार। इस दोहे का शब्दार्थ है, कबीर नाव जर्जरी मतलब यह नाव जर्जर है, पुरानी है। कूड़े खेवन हार मतलब जो इसके खिवैया है, नाव को खेने वाले हैं, वह कूड़े के समान व्यर्थ है। हल्के हल्के तिरी गए मतलब जो हल्के हैं वो तो तिर गए हैं, भाव से पार हो गए हैं। बूढ़े तिनी सिर भार मतलब जिनके सिर पर भार है वो डूब गए। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर जी कहते हैं कि जो धर्मी है और माया से परे रहकर ईश्वर के नाम का सुमिरन करते हैं, वे अवश्य ही भाव से पार हो जाते हैं, और जिनके मस्तक पर पाप कर्म का भार होता है वे डूब जाते हैं। संत कबीर जी ने मानव जीवन को एक नौका के समान बताकर व्यक्ति को इसका खिवैया कहा है। कूड़े से आशय है कि वह अज्ञान में पड़ा हुआ है और इसी कारण से उसकी नाव जर्जर है। ऐसे में भला कोई कैसे नदी पार कर सकता है, मतलब भव सागर को पार कर सकता है। इसी पर संत कबीर दास जी ने कहा है, कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सिर भार।